हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की डेट में देखिए पांच से छह वीडियो आएंगी चार पांच वीडियो तो मैं मैक्सिमम लाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी शेयर मैंने चूज करके रख रखे आप लोगों के लिए वो आप लोगों को पूरा का पूरा दिखा सकूं तो देखिए एक, एक शेयर ऑलरेडी यहां पर डिस्कस हमने कर लिया है आज के रेट में इस वीडियो में पांच शेयर से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले जो कि आपने थंबनेल में देख लिए है और आगने वाले और वीडियो में आपको अच्छे अच्छे शेयर से रिलेटेड रूबरू कराऊंगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दै वीडियो में आगे बड़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा <coughs> सॉरी आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और सारी वीडियो को जाके चेकआउट करें लाइक कर हाँ बिल्कुल मैं भूलें वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दीजिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए और कमेंट है कोई तो कमेंट भी करिए किसी चीज़ से रिलेटेड आपको पूछना है बाकी आ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए अकाउंट नहीं है आपका अकाउंट ओपन करा लीजिए फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वीडियो में चलते हैं और यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है आपको सीखना है सीखने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है और यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद केवल आपको सिखाना है और अच्छे तरीके से सिखाना है ताकि बुल मार्केट हो बियर मार्केट हो आप यहाँ पर सीखे और सीख के मस्त पैसा यहाँ पर कमाए तो आइए वीडियो की तरफ सबसे पहले हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर जो अभी आया है ओके इससे रिलेटेड मैं आज के दिन में एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा तो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा इस शेयर की तरफ और यहाँ पर इससे रिलेटेड बातें करेंगे ग्रैंडमार्क लाइफ साइंस जो कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आप आपको शेयर आता हुआ दिखाई दिया डबल पैसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सात सौ अट्ठावन के आसपास है पंद्रह सौ रुपए का टारगेट यहाँ पर आप पकड़ के चलिए क्या करता है कैसे करता है उससे रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे इस हम बट यहाँ पर इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट से रिलेटेड बातें करेंगे क्योंकि इसका देखिए अभी ये नया यहाँ पर डीलिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है अलग होता हुआ तो यहाँ पर पैसा डबल होना ही है सेल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर जून 2020 मार्च और यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे हम देखते हैं तो ईयरली वेस भी वे सेल बढ़ी है क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ी है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा गिरावट है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर क्वार्टरली वेस गिरावट है बट ईयरली जंप है यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर दो तीन साल की तो सेल्स सेल्स देखिए कंटिन्यू यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नेट प्रॉफिट देखिए वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये यह चीजें क्या बता रही है कि कंपनी में कितना बड़ा कैलिबर है इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बट अभी जिस वीडियो में हम बनाएंगे अगली तो उसमें हम कोशिश करूंगा पूरे कहीं ना कहीं से यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न लागने की और फिर उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए चार्ट पैटर्न तो ऐसा कुछ है ही नहीं ओके आपको पता ही है शेयर अभी आता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद इसमें एच एन आईज में कुछ ज्यादा बाइंग नहीं थी जिस वजह से यहाँ पर शेयर यहाँ पर गिरा सॉरी बाइंग थी बट यहाँ पर एच एन आईज को लॉस हो रहा था तो इस वजह से यहाँ पर शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर भी गिरता हुआ दिखाई दिया और उसी के आसपास यहाँ पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो मंडे को यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है और ये शेयर आपको ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ छह से छह महीने से एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर आपका पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मैं

करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स इंडिगो पेंट से रिलेटेड पहले भी हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने आपको बाइंग की सलाह दी थी और उसके बाद थोड़ा सा शेयर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया लगभग दो सौ रुपए जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी अब बनती हुई और नजर आ रही है मार्केट कैप की बात करें ग्यारह करोड़ का मार्केट कैप है तो अगर बात करें मिड कैप कंपनी नजर आ रही है आरओसी अच्छी खासी है डेट फ्री लगभग कंपनी नजर आ रही है सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है पेंट की दिग्गज कंपनी है टॉप फाइव पेंट कंपनी में इसका नाम आ रहा है और कैपिट यहां अभी साउथ में दिखाई देती है बट धीरे धीरे अपने जो प्लांट

तो यहाँ पर देख लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर उसी रेंज में यहाँ पर शेयर फंसा हुआ है अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की तो देखिए गिरावट है यहां पर पर सेल्स में बट बेसिस बात करें वो भी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है जिस वजह से बात करें यहां पर सॉरी तीन सौ रुपए के आसपास यहाँ पर यह शेयर टूटता हुआ दिखाई दिया बट नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट में नजर आया है बट यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी लॉकडाउन से रिलेटेड यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर भी लॉकडाउन से रिलेटेड जून के क्वार्टर में वो ए, 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 एक अगर बात करें जिम का दे नहीं रखा अदरवाइज यहाँ पर ई बेसिस पे हम कंपेयर करते तो वो भी हमें एक पता चल जाता है कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली exactly हुआ है यहाँ पर एक बार देख देख लेते हैं यहाँ पर ओपन करके इसके रिजल्ट तो हमें एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा हाँ यहाँ पर देखिए जून तो यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर का जून तो देखिए जून के क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं जून जून पिछले के हिसाब से अच्छा पर परफॉर्मेंस है कंपनी का और यहां पर ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है तेईस करोड़ रुपए से सात करोड़ रुपए दस साल में सेल्स होना एक करोड़ का प्रॉफिट एक करोड़ में तब्दील होना और यहाँ पर नेट प्रॉफिट एक करोड़ का चौहत्तर करोड़ में हाइएस्ट एवर होना तो ये सारी बातें क्या बताती है कि कंपनी धीरे धीरे अपने आपको

हिस्सेदारी बढ़ाई है इस क्वार्टर में याद रखिएगा बात करें थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करिए और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पर इकतीस की होल्डिंग दिखाई दे रही है बट अगर दो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करें तो एक ने 14, एक थर्टीन परसेंट की अगर बात करें 28-29% के आसपास यहाँ दिखाई देता है केवल दो परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है यहाँ पर ऑपरेटर कब इस शेयर को शेयर को भगा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगी और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर देखिए इंडिगो पेंट सेल्स यहाँ पर है ये शेयर तो हम यहाँ पर देखते हैं तो एक रेंज एक रेंज बना रखी है इसने और यहाँ पर से ज्यादा ये शेयर मुझे गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और यहां पर एक सपोर्ट इस शेयर ने आने के बाद यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर देखिए पहले भी यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था यहाँ पर ही एक सपोर्ट लेते बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर लास्ट गिरता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर एक इतना गिर सकता है बाईस तक बट यहाँ से गिरना नहीं यहाँ से भागना इस शेयर को है क्यों क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर अगर हम यहाँ पर से देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स रिवर है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर देखिए ये दो शोल्डर बनाए इसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर हेड बनाया फिर यहाँ पर एक शोल्डर बनाया और यहाँ पर दोबारा नीचे जो भी रिजल्ट आ गए इसके बाद गिर गया ये शेयर तो पर दोबारा से यहाँ पर उठता हुआ नजर आएगा और पर ये शेयर इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा अगले के से पहले, तो पर बारह परसेंट के रिटर्न आपको मिलने हैं यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा अगर हम टारगेट हम यहाँ पर दिखाए तो दूसरा टारगेट यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर से बनता हुआ नजर आ रहा है और वो भी कितने परसेंट का टारगेट है ये बाईस परसेंट यहाँ से है ऊपर हम यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए जहां पर ये इसकी ये ओपन होता हुआ मतलब अगर बात करें शेयर जब आया था उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया तो उसी के आसपास टारगेट आ रहे के, तक तो यहाँ पर यहाँ पर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इधर तक बनती नजर आ रही है और एक बार अच्छे रिजल्ट कंपनी ने पेश कर दिया अब सब चीज ओपन हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ही रहा है भारत में अच्छे तरीके से तो ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा और देखिए एटीन प्लस में ट्वेल्व परसेंट होता है तो थर्टी के टारगेट मुझे लगता है कि छह महीने के अंदर अंदर यहाँ पर अचीव हो चाहिए और 30 के रिटर्न महीने में मिलने का मतलब है जो 66 पर कमाते थे, 30 साल से उनका एक रिकॉर्ड इस तरीके के आसपास तैयार हो जाएंगे तो बैंक की रिकमेंडेशन नहीं है बट आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखिएगा दूसरा शेयर ये हो गया इसके अलावा हम दो तीन शेयर से रिलेटेड और बात करने वाले

एक बेहतरीन टारगेट नजर आ रहे जो कि कितने होंगे एक बार यहाँ पर से उठा के हम रख लेते हैं। हम्म तो यहाँ पर देखते हैं कितने टारगेट नजर आ रहे तो लगभग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये शेयर यहाँ तक दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर रुकेगा नहीं यहाँ से ऊपर ही जाना है और छह रुपए तक ही जाना है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ से अगर हम नीचे से देखते हैं रिजल्ट यहां पर मार्केट में गिरावट थी इस वजह से यह शेयर गिर गया रिटर्न दिखाई दे रहे हैं एक साल भी नहीं लगने वाला इसकी तरफ ध्यान दीजिए ये शेयर कंपनी और अच्छा खासा आगे चल के परफॉर्म करने वाली है तो बैक्टूज हो गया हमारा इंडिको पेंट्स हो गया इसके अलावा और जी हो गया ग्लैनमार्क लाइफ साइंस हो गया इसके अलावा एक और कंपनी के रिलेटेड हम बातें करेंगे जिसका नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग यहाँ पर आपको बताइए पॉलिसी आ चुकी है ओके इस शेयर में लास्ट टाइम अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया तैतीस परसेंट का डेट है कंपनी के पास बट अच्छे खासे यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो डेफिनेटली लाऊंगा तो यहां पर देखिए कंसिस्टेंसी क्वार्टरली रिजल्ट आया इस बार के रिजल्ट बेहतरीन है नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता सबसे है सबसे ज्यादा है ईयरली बेसिस पर बात करें कंपनी धीरे धीरे धीर परफॉर्म कर रही है बट यहाँ पर लोगों की नजर नहीं है और जो पैसा कमा रहे हैं वो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमाते हुए नजर आ रहे पर आईपीओ आया था आईपीओ के बाद यहाँ पर शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया बट यहाँ पर अब शेयर भागेगा यहा पर है 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 यहाँ पर देखिए एफ की होल्डिंग अच्छी खासी है डी की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है पब्लिक की बात करें पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी खासी है यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा नजर आ रहा है एंटनी एंटनी तो वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये यह यह शेयर देखिए लास्ट टाइम जब यहाँ पर बात के यहा पर यहाँ पर देखिए रिवर्स है पर रिजल्ट के बाद तो शेयर भाग ही है फिर तो यहाँ पर से और अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दे रहा है आर की बात करें वो भी अच्छी खासी है यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम अच्छे खासे आने लग गए हैं जो कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थे हजारों में चल रहे थे अब आ, बीस लाख तेरह ग्यारह लाख के आसपास वॉल्यूम आने लग गए तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं यहाँ पर देखिए देखिये पैटर्न मैंने पहले ही बना रखा है यहाँ पर तो हम देखेंगे यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनते यहाँ पर बन के ब्रेकआउट भी हो गया है ये शेयर देखिए ऊपर जाने ही वाला है सबसे पहला टारगेट तो इसका यहाँ पर है। जो इसने यहाँ पर दिखाया था यहां से जहां से गिरता हुआ दिखाई दिया था चार फिर उसके बाद बात यहाँ पर ये यह शेयर विद हैंडल पैटर्न से जो चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है लगभग यहाँ पर तीस के आसपास का पर यहां पर गेन नजर आ रहा है तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए यहाँ से ऑलरेडी यह बहुत भाग चुका है बट यहाँ पर और अपॉर्चुनिटी बनेगी ये यह शेयर यहाँ पर रुकने वाला नहीं है इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे तब जरूर बात करेंगे इसके अलावा बात करते हैं एक और पर्टिकुलर शेयर की जो कि है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज इसकी बात करें अभी ये डीमर्ज हुआ है शेयर और यहाँ पर इसके रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर, पर थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए जिसका अगर देखिए ये बिजनेस तो ऐसा है इसमें कम नहीं होना चाहिए था बट होने होते हुए दिखाई दिए क्योंकि इनका इंश्योरेंस का बिजनेस भी है इंश्योरेंस में भी काम करती है वहाँ पर थोड़ा रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट है एक बार जाके इनके रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ईयरली क्वार्टरली बेस पे पर हाईस्टर नंबर्स आने कम शुरू हो गए हैं कंपनी देखिए क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा रिजल्ट दे रही है और कंपनी लगभग यहाँ पर डेट की बात से रिलेटेड बात नहीं करेंगे आई थिंक क्योंकि यहाँ पर यह कंपनी लोन से रिलेटेड भी काम करती हुई दिखाई

काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और भी वीडियो आने वाली है इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लाइक करना बिल्कुल सो सो थैंक यू मच गॉड ब्लेस